नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज के इस क्लास में हम लोग जानेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है आपका, वैश्विक ऊर्जा पर कोरोना वायरस का क्या प्रभाव पड़ा है, उसी से संबंधित है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि अभी आखिर चर्चा में क्यों है, इसका एक सामान्य परिचय देख लेंगे, रिपोर्ट की प्राप्तियां देख लेंगे, और कोविड-19 बस CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में क्या संबंध रहा है उसे भी देख लेंगे, और भारत की ऊर्जा मांगों पर कोरोना वायरस का क्या प्रभाव पड़ा है उसे भी हम लोग देख लेंगे। लगभग लगभग आपके सभी पक्षों को इसमें जान लेंगे। तो जैसा कि आपने न्यूज में पढ़ा हुई होगा, मालूम चल ही होगा गया होगा आपको कि लॉकडाउन को 2 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया, और अभी क्लियर नहीं है आगे क्या होता है, आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आप सोच रहे हैं कि लॉकडाउन कोरोना वायरस को खत्म कर देगा, ये मुमकिन नहीं है, भारत जैसे देश में तो कहीं भी, ठीक है। और कोरोना वायरस का कोई मेडिसिन नहीं है जो लॉकडाउन मेडिसिन होगा कोरोना वायरस का। इसका मतलब ये होगा कि मान लीजिए आपके गांव में शेर आ जाता है, तो आप क्या गांव वालों को सलाह देंगे कि सब लोग अपने घर के अंदर रहिए जब तक आप लोग उस शेर को ठिकाने नहीं लगा देती, ठीक है। तब तक आप यही बोलोगे ना कि सब लोग घर के अंदर रहिए, और जैसे ही आप लोग शेर को ठिकाने लगा दोगे सब लोग बाहर आ जाएंगे। तो कोरोना का वही है कि लॉकडाउन कोई इसका उपयोग वो नहीं है कि मेडिसिन नहीं है कि खत्म हो जाएगा, लॉकडाउन ऐसे ही बढ़ता रहेगा। कोरोना को खत्म करने का एक उपाय है कि मेडिसिन बने और खत्म हो, क्योंकि जैसे ही सोशल डिस्टेंसिंग खत्म होगी, लॉकडाउन खत्म होगा, फिर से बढ़ने केस हो जाएंगे शुरू, ठीक है। तो लॉकडाउन तो इसलिए लगाया जाता है कि तुम उन समस्याओं से निपटने के लिए गंभीर हो जाओ, सजग हो जाओ, तुम्हें टाइम मिल जाए कुछ। अब जैसे इतने दिनों से लॉकडाउन लगा हुआ है तो इसलिए लगा हुआ था कि अपनी व्यवस्थाएं देख लो और तुम तैयारी कर लो इससे निपटने के लिए। चलिए पढ़ते रहिए, अपना काम करते रहिए, कभी तो खुलेगा, तो आपकी मेहनत तो काम देगी, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA ने कोविड-19 के प्रभाव का विवरण देते हुए एक रिपोर्ट जारी की, जिसे उसने वैश्विक ऊर्जा मांगों और CO2 उत्सर्जन पर वंस इन आ कंट्री कहा है। कई देशों में लॉकडाउन लगाए जाने के साथ सड़क और हवाई यात्रा जैसे परिवहन को प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिसके कारण वैश्विक ऊर्जा की मांग कम हो गई है। चूंकि लाखों लोग अब अपने घरों तक सीमित हैं, घरेलू बिजली की मांग बढ़ गई है, परंतु वाणिज्यिक विद्युत की मांग गिर गई है। रिपोर्ट के अनुसार पूर्ण लॉकडाउन वाले देशों में इति सप्ताह ऊर्जा की मांग में औसतन 25% की गिरावट देखी जा रही है, जबकि आंशिक लॉकडाउन के साथ ऊर्जा की मांग में गिरावट इति सप्ताह लगभग 18% है। ऊर्जा में यह कमी स्थायी नहीं है, क्योंकि यह उम्मीद है कि अर्थव्यवस्था के पुनः प्रारंभ होने पर उत्सर्जन बढ़ेगा, जब तक किसी ठोस वैकल्पिक व्यवस्था पर ध्यान नहीं जाता। बात करते हैं रिपोर्ट की प्राप्तियां। रिपोर्ट के अनुसार तेल की वैश्विक मांग में इस साल औसतन 9% की गिरावट आ सकती है, जो 2012 के स्तर पर तेल की खपत स्तर के बाद न्यूनतम होगा। लॉकडाउन के परिणाम स्वरूप सड़क परिवहन औसतन 50 से 75% के बीच गिर गया है, जो 2019 में इस समय से तुलना पर सड़क परिवहन गतिविधि में 50% की गिरावट दर्ज की गई है। एविएशन गतिविधि मार्च 2020 के अंत में दुनिया भर में 60% से कम हो गई है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने 2020 की दूसरी तिमाही में 2019 में जेट ईंधन और मिट्टी के तेल की मांग को प्रभावित करते हुए औसतन उड़ान क्षमता का औसत 65% से नीचे रहने की उम्मीद की है। मुख्य रूप से वर्ष के दौरान बिजली की मांग में 5% से अधिक की गिरावट के कारण कोयले की मांग में 8% की गिरावट
आ सकती है। हर महीने एक पूर्ण लॉकडाउन बिजली की मांग पर औसतन 20% या वार्षिक आधार पर 1.5% प्रभाव डालता है। उन्नत अर्थव्यवस्था में कोयले की मांग अमेरिका में 25%, यूरोपीय संघ में 20% और कोरिया और जापान में 5 से 10% घट जाएगी। आने वाले महीनों में कोयले की मांग पर असर पड़ेगा। चीन जैसे सबसे बड़े उपभोक्ता संकट से कैसे उभरेंगे? रिपोर्ट में कहा गया है कुछ बाजारों जैसे कि दक्षिण पूर्व एशिया में, इंडोनेशिया और वियतनाम में कोयले की मांग बढ़ भी सकती है। अगर लॉकडाउन रिकवरी तेजी से बढ़े तो बिजली और उद्योग अनुपयोगों में मांग कम होने के कारण गैस की मांग 2020 की पहली तिमाही की तुलना में बहुत अधिक गिर सकती है। हालांकि परिचालन की मांग कम होने और कई बिजली प्रणालियों के लिए तरजीही पहुंच के कारण वृद्धि की उम्मीद है। वास्तव में वैश्विक लॉकडाउन की लंबाई या एक दूसरी महामारी की लहर की परवाह किए बिना नवीकरणीय ऊर्जा की मांग बढ़ने की संभावना है। ऊर्जा की नवीकरणीय स्रोत COVID-19 लॉकडाउन उपायों के लिए सबसे अधिक नमी रहे और 2020 तक अक्षय ऊर्जा के कुल वैश्विक उपयोग में 1% की वृद्धि होने की उम्मीद है। बात करते हैं COVID-19 और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति यानी कि 1945 की बात हो रही। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 2020 में COVID-19 के परिणाम स्वरूप CO2 उत्सर्जन में गिरावट सबसे बड़ी होगी 2020 की पहली तिमाही में, क्योंकि सबसे अधिक कार्बन गहन ईंधन की मांग में सबसे बड़ी गिरावट देखी गई है। CO2 उत्सर्जन में गिरावट वैश्विक ऊर्जा मांग में गिरावट से अधिक है। इस वर्ष की पहली तिमाही में कार्बन उत्सर्जन 2019 में उसी समय की तुलना में 5% की कम था। इस साल कोयला उत्सर्जन में 8% की गिरावट, तेल से 4.5% और प्राकृतिक गैस से 2.3% की गिरावट देखी गई है। उत्सर्जन में उन क्षेत्रों में सबसे अधिक गिरावट आई है जो बीमारी से सबसे अधिक प्रभावित हुए थे। उदाहरण के लिए चीन और यूरोप में उत्सर्जन में 8% की गिरावट और अमेरिका में 9% की गिरावट दर्ज की गई है। 2020 में उत्सर्जन में गिरावट 2019 की तुलना में 8% कम हो सकती है, जो 2010 के बाद उत्सर्जन का निम्नतम स्तर और उत्सर्जन में कमी का सबसे बड़ा स्तर होगा। 2009 के वित्तीय संकट के दौरान जो देखा गया उससे 6 गुना बड़ा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से देखे गए सभी कटौती के से 2 गुना अधिक होगा। अब बात करते हैं भारत की ऊर्जा मांगों पर COVID-19 का क्या प्रभाव पड़ा है। भारत जो IEA एसोसिएशन देशों में से एक है, ने राष्ट्रव्यापी बंद के परिणाम स्वरूप अपनी ऊर्जा मांगों में 30% से अधिक की कमी देखी है। या लॉकडाउन के प्रत्येक अतिरिक्त सप्ताह के साथ ऊर्जा मांग में 0.6% की गिरावट का संकेत देता है। 2020 की पहली तिमाही में देश में ऊर्जा की मांग 2019 की पहली तिमाही के सापेक्ष 0.3% बढ़ गई है। यह पहली बार होगा जब भारत में ऊर्जा की मांग गिर रही है। इसके अलावा भारत में जहां आर्थिक विकास और बिजली उत्पादन की दर कम है, कोयले की मांग में भारी गिरावट आई। चीन और भारत क्रमशः दुनिया में सबसे बड़े तीसरे सबसे बड़े बिजली उपयोगकर्ता और इस ईंधन की वैश्विक मांग को आकार देने वाले इन दोनों देशों में कोयले का उपयोग प्रमुख है। आगे की राय की बात करें हम लोग, क्या आगे राय हो सकती है? निश्चित रूप से यह कटौती स्थायी नहीं है। लॉकडाउन की समाप्ति के उपरांत CO2 की उत्सर्जन तथा ऊर्जा मांग बढ़ेगी, जिसकी आपूर्ति पुनः परंपरागत स्रोतों से होगी, जो सतत विकास हेतु उचित नहीं है। अतः सरकारों को सम्मिलित रूप से पेरिस संधि को मानकर नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान देना होगा। क्या करना होगा? ध्यान देना होगा।
तो जैसा कि आपने सुना होगा, इसलिए आर्टिकल लिखा गया है कि वैश्विक ऊर्जा पर, क्योंकि जब से कोरोना आया है तो बहुत कुछ प्रकृति को मिला है। सुनते हैं कि यमुना कई गुना साफ हो गई और वायु प्रदूषण कई गुना रुक गया। और अभी कल ही न्यूज़पेपर में सुन रहे थे कि हिमालय अच्छी भली प्रकृति यानी कि प्रगति कर रहा है, प्रकृति प्रगति कर रही है, तो इससे कुछ मिलने वाला है। कोरोना वायरस से बहुत कुछ मिलेगा, जो लोग हाथ नहीं धोते थे आज देखिए सबसे पहले हाथ 10-10 बार धो रहे हैं, तो बहुत कुछ छोड़ के जाने वाला है। ठीक है, अपनी सेफ्टी रखिए और जब तक लॉकडाउन चलता रहने दीजिए, अपना काम करते रहिए। देखते हैं कभी तो होगा, बने रहिए अच्छे से, अपनी सेफ्टी अपने परिवार की रखिए अच्छे से। ठीक है।